हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉलिनेशन। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्नड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव सीन दैट हाउ द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मड एंड हाउ द एग इज फॉर्मड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ दे विल फर्टिलाइज, दैट हाउ द पोलन विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग। अब वो दोनों बन तो चुके हैं, लेकिन वो दोनों कॉन्टैक्ट में कैसे आएंगे और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो वो जो कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि वो जो पास पास आते हैं, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से टू द स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। क्यों पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं? ताकि भाई वो कॉन्टैक्ट में आ सके। किसके कॉन्टैक्ट में? एग के कॉन्टैक्ट में आ सके, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगी ना, नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो सिंपल, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। सिंपल, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज एंथर। सो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर इफ यू सी पॉलिनेशन, देन पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो वॉट इज सेल्फ? नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद। वॉट इज क्रॉस? क्रॉस मतलब क्रॉस होना, किसी दो चीजों के बीच में क्रॉस होना। दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। ओके, सो वॉट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? इन सेल्फ पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा कैन अकर इन द सेम फ्लावर। कि एक फ्लावर है भाई, कि देयर इज ओनली वन फ्लावर, और इसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? इसी फ्लावर में प्रेजेंट है एंथर, और इसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो इधर से इधर क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया पोलन ग्रेन्स का। तो क्या हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन में? कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर की एक ही फ्लावर में हो गया। या फिर क्या हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सेम फ्लावर। अब ये जेनेटिकली का क्या मतलब होता है मैम? जेनेटिकली का मतलब कि उनमें जो जीन्स हैं वो कैसे हो? सेम हो। वो कब होंगे? वो तभी होंगे अगर वो जो दो फ्लावर है वो कहाँ प्रेजेंट हो? एक ही पेड़ में प्रेजेंट हो। ऐसा हो सकता है ना कि एक ट्री में दो फ्लावर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दो फ्लावर्स प्रेजेंट है। यहां पे बने पोलन ग्रेन्स और यहां से वो किस में ट्रांसमिट हो गए? इस वाले स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हो गए। ऐसा हो सकता है ना? तो दिस इज व्हाट? जेनेटिकली सेम फ्लावर। दीज आर प्रेजेंट ऑन दिस वन प्लांट, सो दीज विल बी जेनेटिकली सेम फ्लावर। सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सेम फ्लावर। ठीक है भाई, तो इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें एक टर्म आती है। पहली जो टर्म होती है वो होती है ऑटोगैमी। फर्स्ट टर्म इज ऑटोगैमी। व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑटोगैमी मतलब सेल्फ, और गैमी मतलब मैरिज। गैमी मतलब मैरिज, खुद की मैरिज। ह्यूमन से रिलेट मत करना, खुद से खुद आप मैरिज नहीं कर सकते ह्यूमंस में। इट अकर्स ओनली इन द फ्लावर्स। की फ्लावर्स में क्या हो सकते हैं? एंथर्स भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो क्या हो सकती है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए द फ्लावर मस्ट बी हर्माफ्रोडाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्माफ्रोडाइट? बाय सेक्सुअल, दैट द फ्लावर इज बाय सेक्सुअल। इट कंटेन्स बोथ, इट कंटेन्स एंथर एज वेल एज द स्टिग्मा पार्ट। ओके, सो इन दिस ऑटोगैमी होमोगैमी अकर्स। इन दिस ऑटोगैमी होमोगैमी अकर्स। ओके, सो व्हाट इज होमोगैमी? होमोगैमी इज द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम। क्यों ऐसा होना जरूरी है कि एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पे ही क्यों होना चाहिए? अलग अलग टाइम पे क्यों नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर वो अलग अलग टाइम पे होगा, तो इफ एंथर पहले मैच्योर हो गया,
तो वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देगा, स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है तो उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगी। सिमिलरली अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया लेकिन एंथर नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन्स ही प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन उस कंडीशन में भी नहीं हो पाएगी। तो इट कैन ओनली अकर वेयर स्टिग्मा एंड एंथर गेट्स मैच्योर एट सेम टाइम, तभी हो पाएगी ना। एंथर बोलेगा मैं तैयार हूं, मेरे पास पोलन ग्रेन्स है, स्टिग्मा बोलेगी ठीक है मैं भी मैच्योर हूं आप मुझे दे दो पोलन ग्रेन्स, मैं ट्रांसफर कर दूंगी ओवरी के पास। तो कब हो पाएगी सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन स्टिग्मा एंड एंथर गेट्स मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक है, इसमें एक और बात आती है, इसमें एक और बात क्या होती है, कैस्मोगैमी। What is Chasmogamy? Chasmogamous are the flowers. Chasmogamous are the flowers that remain open. All the time they are open. They get never, they get closed. They are always open. वो हमेशा कैसे रहते हैं, open रहते हैं। So now अगर वो open रहते हैं तो chances हैं कि जो anther है उसमें से जो pollen grains है वो transfer हो जाए दूसरे flower के पास। Obviously there are chances that कि वो transfer हो जाएगा दूसरे flower के पास। तो हमें ऐसे प्लांट्स में अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है तो बहुत जरूरी क्या होगा कि वो जो एंथर है और वो जो स्टिग्मा है वो दोनों बहुत पास पास रहें। अगर वो दोनों बहुत पास पास रहेंगे तो जैसे ही एंथर मैच्योर होगा वो क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा को दे देगा, तभी क्या हो पाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, दैट रिमेन ओपन, ऐसे फ्लावर्स जो कि क्या रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, इनके लिए एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। अगर वो क्लोज टू ईच अदर होंगे तभी क्या हो पाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी अडेप्टेशन करता है फ्लावर ताकि वो क्या कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। अगर हम अडेप्टेशन नंबर वन देखें, फॉर एग्जांपल अगर समझो कि एंथर जो है बहुत टॉल है, एंथर इज अ बिट टॉल और स्टिग्मा क्या है, शॉर्ट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, स्टिग्मा भी अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेगा। पहली अडेप्टेशन क्या करेगा कि स्टिग्मा विल, और वी कैन से इंस्टेड ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, क्योंकि ये लेंथ तो एक्चुअली किसकी होगी, स्टाइल की होगी, तो स्टाइल विल इंक्रीज इट्स लेंथ। अगर कि जो एंथर है वो बहुत ही लंबा होता है, ऐसी किसमें होता है, एक फ्लावर में देखा जाता है जिसका नाम क्या होता है, विंसा, कौन सा विंसा, जीता हुआ सा विंसा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो नामों को। ठीक है, विंसा। सेकेंड अडेप्टेशन क्या होती है कि समझो अगर जो एंथर है इट्स शॉर्ट, एंथर कैसा है, शॉर्ट है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें जो स्टाइल है वो अपने आप को कॉइल कर लेगा ताकि जो स्टिग्मा है वो कैसा हो सके, कम इन कॉन्टेक्ट हो सके विद द एंथर। सो इन दिस स्टाइल गेट्स कर्व, ये किसमें देखा जाता है, फोर ओ क्लॉक प्लांट में देखा जाता है, किसमें, फोर ओ क्लॉक फ्लावर में देखा जाता है ऐसा। थर्ड अडेप्टेशन क्या है, थर्ड अडेप्टेशन इज कि समझो स्टिग्मा बहुत छोटी रह गई, स्टिग्मा की लेंथ जो है बहुत छोटी रह गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फिलामेंट है एंथर का, जो फिलामेंट है वो क्या होगा, कर्व हो जाएगा। ऐसा किसमें देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है पोटैटो फ्लावर में, ऐसा किसमें देखा जाता है, पोटैटो फ्लावर में। तो ये तो थी थोड़ी बहुत अडेप्टेशन जो फ्लावर करता है सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर एंड द स्टिग्मा एंड एंथर रिमेन्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो फिर ये क्या था, ये तो था ऑटोगैमी के बारे में, कैस्मोगैमस फ्लावर के बारे में। इसके अलावा एक और फ्लावर्स भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टो गैमस, क्लिस्टो गैमस आर द फ्लावर्स। अब ये जो है ये हमेशा ओपन रहते हैं, तो क्लिस्टर गैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, दैट रिमेन क्लोज, ये कैसे रहते हैं, ये रिमेन क्लोज, दीज आर द फ्लावर्स दैट रिमेन क्लोज ऑल द टाइम। तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात ही नहीं हो सकती, इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है, कुछ भी हो जाए सेल्फ पॉलिनेशन ओनली विल अकम।
So there are some flowers that show chasmogamy as well as cleistogamy. Or we can say that there are some plants जिनके पास क्या होता है both type के flower होते हैं. Some plants have both type of flowers. Some plants have both type of flowers. That is उनके पास क्या होगा, मतलब अगर एक पेड़ है तो समझो उसके पास यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे प्रेजेंट है कैस्मोगैमस जो कि क्या रहता है ओपन रहता है, वही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्लिस्ट्रोगैमस प्रेजेंट है जो कि क्या रहता है बंद रहता है. तो ये क्या हो गया कैस्मोगैमस दैट इज ओपन ऑल द टाइम एंड इट इज क्लिस्ट्रोगैमस दैट इज क्लोज ऑल द टाइम. तो ऐसा हमें बहुत सारे प्लांट्स में देखा जाता है जैसे कि कॉमेलिना, ऑक्सालिस, Viola, these are the example which consist both type. They have both type of flower. अब याद कैसे रखोगे कॉमलीना, लीना कहाँ गई कॉमा लेना गई, कॉमा जो होता है ऐसे हम जो लगाते हैं कॉमा लेना कौन गई लीना, बहुत सिली है लेकिन लर्न हो जाएगा कि लीना कहाँ गई, लीना कॉमा लेने गई, याद रह जाएगा इससे लीना गई कॉमा लेने. ऑक्सालिस ऑक्सैलिक एसिड से याद रह जाएगा, ऑक्सालिस कैसे याद रह जाएगा ऑक्सैलिक एसिड से, और वियोला वॉयलिन वॉयलिन जो बजाते हैं उससे याद रह जाएगा वियोला, इजी सा ही नाम है, वॉयलेट से याद रह जाएगा, बहुत इजी है. सो कुछ ट्रिक्स ढूंढते रहो ताकि आपको क्या हो जाए ये याद हो जाए जितने भी एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इन बायोलॉजी देयर आर अ लॉट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सो यू हैव टू रिमेम्बर एवरी एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट गुड मार्क्स इन द नीट एग्जामिनेशन. Okay, so this was all about autogamy. The next is gynotogamy. The next is first was autogamy. The second one is gynotogamy. What happens in gynotogamy? This occurs that a plant contains two flowers and from one flower the transmission is occurring to the second flower. So in this kind of self-pollination, one plant is there and the flower of its transfer its pollen grain to its another flower. So what happens in this transfer of pollen grain from one flower to another of the same plant. That is what this is gynotogamy. Okay, this is also a type of self-pollination. Next, there is one short topic that is bud pollination. What is bud pollination? In bud pollination, the pollination occurs even before the opening of the bud. जब तक बड खुलता नहीं है उससे पहले ही क्या हो जाती है पॉलिनेशन हो जाती है. किसमें देखा जाता है राइस में देखा जाता है वीट में देखा जाता है, क्या कि बड ओपन हुआ नहीं उससे पहले ही क्या हो गई पॉलिनेशन हो गई. तो ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बड पॉली Nation. What happens in bud pollination? That the pollination occurs even before opening of bud. किसमें होता है ये होता है wheat में and rice. So ये तो था this was all about what? This was all about self pollination. Now let's go to cross pollination. What will happen in cross pollination? In cross pollination, the transfer of the pollen grains will occur from one flower to the genetically different flower. कि जो genetically different flower होगा उसमें क्या होगा pollen grain का transmission होगा. मतलब क्या हो गया कि एक plant से दूसरे plant के flower में transmission होगा pollen grain का, उसको हम क्या बोलेंगे उसको we will say that this is cross pollination. Let's see about this. What is cross pollination? In cross pollination, this is one tree, this is second tree, this is the flower in this tree and this is the flower in this tree. So what will happen, the pollen grain will be transmitted from here to here. This is first plant,
and this is the second plant. So in cross pollination, the transfer of pollen grains from one plant occurs from one flower to another flower, that is genetically different. और वो genetically different कब होगा? जब वो कहाँ present होगा? Different plants पे present होगा. अब अगर pollination हो रही है तो हमें pollination, cross pollination specifically is occurring, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें कुछ चाहिए होगा जरिया का, जिसके थ्रू क्या हो सके? पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सके. अब पोलन ग्रेन खुद तो चल के जाएगा नहीं, उसके पास पैर तो होता नहीं है, तो वो खुद तो चल के जा नहीं सकता, तो उसको क्या चाहिए? उसको कोई ऐसा जरिया चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सके, ट्रांसमिट हो सके फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर. तो उसका वहीकल कौन बनता है? उसका वहीकल बन सकता है एबायोटिक फैक्टर्स भी और बायोटिक फैक्टर्स भी. बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. उसका जरिया टू ट्रांसमिट द पोलन ग्रेन, टू ट्रांसमिट पोलन ग्रेन. तो इनमें एबायोटिक फैक्टर, इन एबायोटिक फैक्टर व्हाट आर देयर? देयर इज एयर, देयर इज वॉटर. What is air known as? Air वाली pollination को हम बोलते हैं anemophily. Anemo मतलब air. वही water वाली को हम बोलते हैं hydrophily. Hydro मतलब, what is the meaning of hydro? Hydro मतलब water. वही जो biotic है वो किसके through हो सकती है? वो हो सकती है insects के through. हमने पहले भी देखा था एक बार इंसेक्ट्स में कि अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगी तो पोलन कैसा होगा, उसमें येलो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा ताकि वो क्या हो सके, इंसेक्ट पे चिपक सके. तो इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली. या फिर वो किसके थ्रू हो सके? बर्ड्स के थ्रू हो सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली. या फिर वो किसके थ्रू हो सके? स्नेल के थ्रू हो सके, जिसको हम बोलते हैं मलैको फिली. या फिर किसके थ्रू हो सके? बैट्स के थ्रू हो सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीरोटेरोफिली. चीरोटेरोफिली किसके थ्रू हो रहा है? बैट के थ्रू, मलैकोफिली स्नेल के थ्रू, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू, एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट एबायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले जिसके बारे में हम देखने वाले हैं वो कौन सा होगा? एनीमोफिली. एज आई हैव सेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमोफिली? दैट पॉलिनेशन दैट इज अकरिंग थ्रू एयर और थ्रू द विंड. फ्रॉम ए इट्स एयर एंड फ्रॉम ए इट्स एनीमोफिली. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, एनीमोफिली क्या होगा? एयर पॉलिनेशन. ठीक है, जिसका पॉलिनेशन क्या होगा? एयर्स के थ्रू होगा. तो अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें ऐसे ट्रीज की जो कि क्या कर रहे हैं, एनीमोफिली कर रहे हैं, इफ यू सी अबाउट देयर करेक्टरिस्टिक, तो क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए? आप खुद ही सोचिए, अगर एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, एयर क्या कर सकती है? सिर्फ लाइट वेटेड चीजों को ही अपने साथ उठा सकती है. तो ऑब्वियसली द पोलन ग्रेन्स विल बी लाइट वेटेड. पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? पोलन ग्रेन्स विल बी लाइट इन वेट, हल्के होंगे वो, तभी वो क्या हो सकते हैं, हवा के साथ मूव कर सकते हैं. सेकेंड क्या होगा, पोलन ग्रेन्स को स्टिकी होना चाहिए या नॉन स्टिकी होना चाहिए? ऑब्वियसली दे शुड बी नॉन स्टिकी, कि वो कहीं पे भी चिपक ना जाए और वो एयर के साथ क्या हो सके, फ्लो कर सके. तो पोलन ग्रेन्स विल बी नॉन स्टिकी. कैसे होंगे? नॉन स्टिकी होंगे. क्या हवा को अट्रैक्ट करने की जरूरत है फ्लावर्स को? नहीं, बिल्कुल भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं? फ्लावर्स कैन बी कलरलेस. फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं? कलरलेस हो सकते हैं. क्या एयर को प्लांट से कुछ चाहिए? क्या एयर को प्लांट से खाना चाहिए? नहीं, एयर को प्लांट से कोई खाना नहीं चाहिए. तो नेक्टर कैन बी एब्सेंट. नेक्टर कैसा हो सकता है? एब्सेंट हो सकता है. खाना जो है एब्सेंट हो सकता है. एयर नहीं बोल रही कि मुझे खाना दो. Now what will happen? Stick the stamen part. The stamen part should be well exposed. अगर ये stamen है, समझो ये stamen है, अगर ये ऐसी है तो air ज्यादा pollen grain ले जा पाएगी, या ये ऐसी है तो air ज्यादा pollen grain ले जा पाएगी. Obviously अगर वो ऐसी है तो air ज्यादा pollen grain ले जा पाएगी. तो stamen should be well exposed. Stamen should be well exposed.
प्लस और क्या होगा कि जो स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को आके रुकना है, तो स्टिग्मा शुड बी फेदर्ड। अगर फेदर होता है किसी चीज में तभी क्या होगी उसके पास चीजें आके रुक सकती है, तो स्टिग्मा शुड बी फेदर्ड, स्टिग्मा शुड बी फेदर्ड, ताकि वहां पे कोई भी चीज आके रुक सके। प्लस एक बहुत ही स्टार मार्क पॉइंट है जो कि आप याद रखना कि जो एनिमोफिली वाले पॉलिनेशन होते हैं उसमें जो ओवरी है हैज सिंगल ओव्यूल, द ओवरी ओनली हैज सिंगल ओव्यूल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इफ पॉलिनेशन इज अकरिंग थ्रू द विंड, एज विंड इज फ्लोइंग देयर इज नो कंफर्मेटरी दैट द पोलन ग्रेन विल रीच द स्टिग्मा। Okay, and if it is reaching to the stigma, then there are very less chances that one stigma will get two pollen grains or it will get three pollen grains. बहुत कम chances होते हैं इसके। इसके लिए अगर एक ही pollen grain आएगा तो वो एक ही ovule को fertilize कर पाएगा। इसलिए during evolution क्या होता गया, हर एक ovary ने सिर्फ एक ही ovule रखने में evolve हो गए, क्योंकि there are very less chances कि एक stigma पे एक से ज्यादा pollen grains जाए। तो पोलन ग्रेन्स की तो वेस्टेज हो ही रही है, लेकिन ओव्यूल कम वेस्ट हो इसके लिए हर ओवरी में सिर्फ कितने ओव्यूल होते हैं, सिर्फ एक ही ओव्यूल होते हैं। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेस चांस दैट मोर देन वन पोलन ग्रेन विल लैंड ऑन स्टिग्मा। एक स्टिग्मा से में एक से ज्यादा पोलन ग्रेन लैंड हो उसकी क्या होती है, बहुत कम चांसेस होती है। इसलिए ऐसे में क्या हो गया, ओवरी हैज सिंगल ओव्यूल। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। द क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन कैसे आएगा नीट में, विच ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैव ओनली सिंगल ओव्यूल एंड वन ओवरी? आंसर एनिमोफिली। बहुत ईजी सा आंसर। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमोफिली कौन कौन से प्लांट्स में होती है? ऐसे ये होती है मेज में, मेज यानी कि कॉर्न, शुगर केन, बैम्बू एंड वीट। फॉर दिस द सिंपल ट्रिक दैट यू कैन यूज टू रिमेंबर देम इज मॉम शुड बेक wheat. I know we don't bake wheat, but it's a simple trick that mom should bake wheat. From mom it's maize, from should it's sugarcane, from bake it's bamboo, and from wheat it's wheat. अगर आपने कभी कॉर्न खाया होगा तो कॉर्न का येलो स्ट्रक्चर होता है, प्लस उसके बाहर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें आपने देखा होगा वो जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स है वो फेदरी होते हैं। व्हाट आर दे? दे आर स्टिग्मा, दे आर टेसल्स ऑफ स्टिग्मा। वो ऐसे क्यों होते हैं? ताकि वो क्या कर सके, पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके। तो इसमें आपने पक्का देखा होगा मेज में टेसल ऑफ फेदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है बहुत फैदरी होता है, पक्का आपने देखा होगा अगर आपने मक्का खाया होगा तो। तो ये किसके बारे में था? ये था एनिमोफिली के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज हाइड्रोफिली। एज द नेम इज सजेशन दैट द हाइड्रो, मतलब ये कैस में हो रही होगी, वॉटर में हो रही होगी। जो हाइड्रोफिली होती है वो बहुत ही कम फ्लावर्स में होती है। इट अकर्स ओनली 30 जेनेर ऑफ मोनोकॉट्स। तो ये बहुत रेयर है, रेयरली होती है ये। किस किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है हाइड्रिला में, इट इज सीन इन हाइड्रिला, वेलिस नेरिया एंड जॉस्टेरा। इट अकर्स इन दीज थ्री। द ट्रिक फॉर दिस इज वेरी इजी, वेरी हाई जोन इज द ट्रिक। यू कैन रिमेंबर बाय दिस वेरी हाई जोन, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया एंड जॉस्टेरा। दिस हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया, दीज टू आर फ्रेश वॉटर, वाइल दिस जॉस्टेरा इज अ सी ग्रास। इट इज फाउंड इन द मरीन एनवायरमेंट। नाउ दिस हाइड्रोफिली ऑल्सो कैन बी ऑफ टू टाइप। If the pollination is occurring on the surface of water body or it is occurring below the surface of the water. So hydrophily can be of two type. The first type is epi
हाइड्रोफिली एंड द सेकेंड टाइप इज हाइपोहाइड्रोफिल. ऑलवेज एपी मतलब ऊपर, यानी कि इट विल बी अकरिंग ऑन वॉटर सरफेस. एंड हाइड्रोफिली यानी कि इट विल बी अकरिंग बिलो वॉटर सरफेस. इट विल बी अकरिंग बिलो वॉटर सरफेस. सो दिस एपीहाइड्रोफिली इज शोन बाय वेलिस नेविया एंड हाइपोहाइड्रोफिली इज शोन बाय जॉस टेरा. इट इज शोन बाय जॉस टेरा. सो वॉट हैपन इफ वी कंसिडर दिस इज द वॉटर सर्फेस, वॉट विल बी हैपन, द स्टाइल ऑफ द फीमेल फ्लावर विल गेट लॉन्ग एंड द फ्लावर विल रीच टू दिस रीजन, टू द सर्फेस ऑफ द वॉटर बॉडी. सो द फ्लावर विल रीच टू द वॉटर सर्फेस. आफ्टर दैट वॉट विल हैपन द मेल फ्लावर, द मेल फ्लावर विल बी रिलीज इन द वॉटर. सो क्या होगा, मेल फ्लावर इज रिलीज इन द वॉटर, मेल फ्लावर. ठीक है, अब ये जो मेल फ्लावर है ये क्या करेगा, ये पहुंचेगा फ्लोट करते करते सरफेस पे, एंड सरफेस पे ये वॉटर करंट के साथ फ्लो करेगा, कहां पे पहुंच जाएगा, स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा. तो यहां पे पोलन ग्रेन फ्लोट ऑन सरफेस टू रीच टू द फ्लावर. एंड यहां पे क्या हुआ, मेल फ्लावर ने फ्लोट किया तब तक, कब तक, जब तक वो सरफेस पे नहीं पहुंच गया और ऊपर नहीं पहुंच गया. तो ऐसे क्या हो जाएगा, वेलिस नेविया में पॉलिनेशन हो जाएगा. वही जो जॉस्टेरा है, जॉस्टेरा में पॉलिनेशन क्या होगा, अगर ये है वॉटर का सरफेस तो इसमें जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर जो है वो कहां रहेगा, नीचे ही रहेगा. इसमें जो मेल फ्लावर होता है, इफ वी कंसिडर दिस एज अ मेल फ्लावर, अगर ये मेल फ्लावर है तो इट हैज अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इट कंटेन्स, इट हैज अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर. इट विल फ्लोट टू दी स्टिग्मा. ये क्या करेगा, फ्लोट करते करते स्टिग्मा के पास पहुंचेगा और क्या कर देगा, पॉलिनेशन हो जाएगा. ओके, तो यहां पे पोलन ग्रेन से उनके पास क्या होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. अगर हम अडेप्टेशन देखें हाइड्रोफिली में, तो हाइड्रोफिली में अडेप्टेशन क्या क्या होनी चाहिए. हाइड्रोफिलो की एक तो अडेप्टेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक कि जो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है वो वेट नहीं होने चाहिए. अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें किसके, हाइड्रोफिली के, तो पोलन ग्रेन शुड नॉट गेट वेट. अगर वो वेट हो जाएंगे तो उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी. तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक, दैट पोलन ग्रेन हैज म्यूसिलेज कवरिंग. वो क्या ऐसी होती है, कवरिंग ऐसी होती है अनवेटेबल, कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो वेट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट है. सिमिलरली जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा मस्ट बी स्टिकी. स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, तभी ये जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो पाएंगे, इस पे आके स्टिक हो पाएंगे. नहीं तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके स्टिकी नहीं हो पाएंगे. तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा शुड बी स्टिकी एंड अनवेटेबल. ये भी कैसी नहीं होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए. ये क्या थे, करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिली. कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वॉटर हाइसिनिथ एंड वॉटर लिली. ठीक है, ये दोनों क्या से होते हैं, ये दोनों रहते वॉटर में ही है लेकिन उनमें हाइड्रोफिली नहीं होती. उनमें क्या होती है, बायोटिक पॉलिनेशन होती है. कैसी पॉलिनेशन होगी, बायोटिक पॉलिनेशन होगी. बायोटिक पॉलिनेशन में भी कौन सी पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन. ऐसा क्यों, इसमें क्या होगा, जो फ्लावर है वो रीच कर जाएगा अबव द वॉटर, लेकिन यहां पे जो पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसमिशन कौन करेगा, उसका ट्रांसमिशन करेगा कोई तो इंसेक्ट, ना कि वॉटर इनका ट्रांसमिशन करेगा. इनका ट्रांसमिशन कौन करता है, कोई इंसेक्ट करता है. ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है किसके, हाइड्रोफिली के, वो वॉटर में ही रह रहे हैं लेकिन क्या नहीं हो रहा है, उनका हाइड्रोफिली नहीं हो रही.
Next type of pollinators are biotic pollinators. Biotic pollinators में कौन कौन आते हैं? Bats आते हैं, birds आते हैं, snail आते हैं and insects आते हैं. Most common of all them is insect. और insect में भी most common क्या होता है? Bees. Bees जो है generally वो ज्यादा pollination करवाती है. So if we talk about biotic agents, if we talk about biotic agents, so biotic agent में most common कौन सा होता है? Most common is इंसेक्ट. भाई इंसेक्ट की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली इंसेक्ट ही करवाएंगे. इंसेक्ट ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और इंसेक्ट्स में भी सबसे कॉमन कौन होते हैं? बीस. सबसे कॉमन कौन होते हैं? बीस. इनके अलावा और क्या हो सकते हैं? बटरफ्लाई, मोथ, बीटल्स, ये सब भी क्या करवा सकते हैं? पॉलिनेशन करवा सकते हैं बायोटिक एजेंट बन के. अब इनके लिए करेक्टरिस्टिक क्या, अगर तुम्हें किसी बायोटिक कंपोनेंट से करवानी है पॉलिनेशन तो तुम्हें कुछ तो रिश्वत देनी पड़ेगी, नहीं तो वो इतने अच्छे नहीं है एयर और वाटर के जैसे कि वो बिना रिश्वत के मार जाए. तो इसके लिए रिश्वत क्या होती है, करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? पहला कि फ्लावर मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव कि वो अट्रैक्ट कर सके इन बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को. तो इसमें क्या होता है? फ्लावर इज कलर्ड. और कैसा होता है? फ्लावर एंड बिग होता है, कलर्ड होता है और बिग होता है ताकि नजर आ जाए. इफ अगर दे इट इज नॉट बिग एंड इफ इट इज स्मॉल देन दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, बहुत सारे साथ में प्रेजेंट होते हैं ताकि क्या हो सके? अट्रैक्ट कर सके. तो सेकंड क्या है? इफ फ्लावर इज स्मॉल देन इट विल फॉर्म, देन इट विल फॉर्म अ क्लस्टर. और क्या होगी? इट विल हैव फ्रेग्रेंस सो दैट इट कैन अट्रैक्ट. सो फ्लावर विल हैव फ्रेग्रेंस प्लस इट विल हैव नेक्टर सो दैट द बीटल और द बीज कैन फीड ऑन दैट एंड इन सम देयर विल बी फॉल ऑर्डर विल बी प्रेजेंट. लाइक इन द केस ऑफ बीटल पॉलिनेशन द फ्लावर हैव फॉल ऑर्डर सो दैट द बीटल इज अट्रैक्टेड टू द फॉल ऑर्डर. So these are some of the characteristics in the butterfly, sorry, in the insect pollination. अब insect pollination में क्या होता है? Sometimes जो insects है वो lay भी कर देते हैं अपने eggs flower के अंदर, ताकि वो जो उनके जब larva है वो अगर अंडे में से जब फूट के निकलेंगे तब क्या हो सके? वो feed कर सके उन flowers के ऊपर, उस nectar के ऊपर. ऐसा ही देखा जाता है एक plant में जो कि सबसे tallest, सबसे क्या है? टॉलेस्ट प्लांट है वो. सबसे टॉलेस्ट प्लांट नहीं, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है. उस फ्लावर की ही लेंथ कितनी होती है? 6 feet होती है. क्या होता है उसका नाम? अमॉर्फो, अमॉर्फो फैलस. अमॉर्फो फैलस इज द फ्लावर दैट इज 6 feet टॉल. मतलब समझ लो 6 feet टॉल. मैं खुद 5-8 feet हूं तो मतलब मुझसे भी थोड़ा सा टॉल. 6 feet मतलब बहुत ज्यादा टॉल हो गया. 6 feet टॉल अमॉर्फो फैलस जो प्लांट का फ्लावर होता है, इसमें क्या होता है? एग ले कर देते हैं. एग जो है वो ले कर देते हैं इंसेक्ट्स ताकि यहाँ पे ऑब्वियसली सेफ रहेंगे. इतना बड़ा फ्लावर है तो क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे. ऐसे ही एक रिलेशन होता है यूका प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ. ये जो प्रोनुबा मॉथ है ये क्या करेगा? ये ले करेगा अपने एग्स को इन फ्लावर. फ्लावर में क्या करता है? ये अपने एग्स को ले कर देता है और बदले में ये यूका प्लांट के लिए क्या करता है? बदले में ये यूका प्लांट के लिए पॉलिनेशन कर देता है. बदले में क्या करेगा? पॉलिनेशन कर देगा. प्लस यहाँ पे क्या होगा? लार्वा जो है वो फीड करेगा ऑन सीड्स ऑफ यूका प्लांट. यूका प्लांट के जो सीड्स हैं उनके ऊपर क्या करेगा? फीड करेगा. तो खाने का भी बंदोबस्त हो गया, रहने का भी बंदोबस्त हो गया, और क्या चाहिए होता है? और इसने क्या करवा दिया? इसका पॉलिनेशन करवा दिया, इसके जो नंबर है वो इंक्रीज करवा दिया. दोनों एक साथ खुश है, बहुत खुश है. अगर तुमने किसी में इन दोनों में से किसी एक को भी खत्म कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो दूसरा वाला भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना. ठीक है, तो ये था पूरा पॉलिनेशन के बारे में. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.